अरबों के खजाने के बाद भी आखिर क्यों गरीब हैं तिरुपति बालाजी। आपको जानकर हैरानी होगी कि तिरुपति बालाजी देश के सबसे धनवान भगवान माने जाते हैं। अनुमान के अनुसार आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के खजाने में लगभग 7 टन सोना और 30 टन चांदी जमा है। इसके अलावा मंदिर के पास 50,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, फिर भी भगवान बालाजी सभी देवी देवताओं में सबसे गरीब हैं। जी हाँ, माँ लक्ष्मी के पति पूरी तरह से कर्ज में हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार भगवान बालाजी कलयुग के अंत तक कर्ज में रहेंगे। बालाजी के ऊपर चढ़े कर्ज को चुकाने के लिए भक्त यहाँ सोना चांदी दान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास चाहे कितना भी धन क्यों न हो, अगर वह कर्जे में डूबा है तो वो गरीब ही कहलाएगा। इसी के अनुसार भगवान बालाजी को भी सबसे गरीब माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु शेषनाग सैया पर लेटे हुए थे, तभी वहां महर्षि भृगु पहुंच जाते हैं। महर्षि भृगु बैकुंठ धाम पहुंचते ही भगवान विष्णु की छाती पर लात मार देते हैं। लात मारते ही भगवान महर्षि के चरण पकड़कर पूछते हैं, ऋषिवर कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? तभी महर्षि हाथ जोड़कर भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप बहुत ही सहनशील हैं, इसीलिए यज्ञ भाग के प्रमुख भाग आप ही होंगे। कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु की छाती में लक्ष्मी का वास होता है। विष्णु जी ने भृगु ऋषि के लात मारने पर दंडित नहीं किया, इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और वह बैकुंठ धाम छोड़कर चले जाती हैं। भगवान जब लक्ष्मी को ढूंढते हैं तब उन्हें पता चलता है कि माँ लक्ष्मी ने पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया है। फिर भगवान विष्णु ने बालाजी का रूप धारण कर पद्मावती के पास जाकर उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान के प्रस्ताव को पद्मावती ने स्वीकार कर लिया। अब भगवान के विवाह के लिए धन नहीं था, क्योंकि लक्ष्मी जी के जाने से विष्णु जी कंगाल हो गए थे। इस दौरान उन्होंने कई देवी देवताओं और कुबेर से धन कर्ज में मांगा। कुबेर और देवी देवताओं से कर्ज लेने के बाद भगवान विष्णु ने वचन दिया था कि वह कलयुग के अंत तक सारा कर्ज चुका देंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि जब तक कर्ज खत्म नहीं होता वह सूद चुकाते रहेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने वेंकटेश रूप में माँ लक्ष्मी से पद्मावती रूप में विवाह किया। तब से अब तक भगवान बालाजी कर्ज चुका रहे हैं। इस मंदिर को वेंकटेश्वर मंदिर भी कहते हैं और इस मंदिर का इतिहास 5वीं शताब्दी से शुरू होता है। यह मंदिर सभी धर्मों के लिए खुला हुआ है। दर्शकों, वीडियो के अगले भाग में हम आपको तिरुपति बालाजी धाम के बारे में अतिरिक्त जानकारियां देने वाले हैं, सो प्लीज हमारे साथ चैनल पर बने रहिए। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।